एनसीपी का सत्ता केंद्र कहे जाने वाले वाईबी चव्हाण सेंटर में फिलहाल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पहुंच चुके हैं और शरद पवार इसी बिल्डिंग की पांचवी मंजिल पर मौजूद हैं। और कल शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। ऐसे ही कमेटी के कुछ सदस्य वाईबी चव्हाण सेंटर में वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा पीसी चाको भी यहाँ पर पहुँचे हैं, अजीत पवार यहाँ पर पहुँचे हैं, सुप्रिया सुले पहुँच चुकी है, प्रफुल्ल पटेल अंदर मौजूद है, हसन मुशरिफ अंदर मौजूद हैं। ऐसे एनसीपी के जो तमाम नेता है वो नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो अगला अध्यक्ष कौन होगा एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। नाम सुप्रिया सुले का भी सामने आ रहा है, अजीत पवार का नाम सामने आ रहा है, प्रफुल्ल पटेल हो या फिर सुनील तटकरे, ये चार प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं। 11:30 बजे ये बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है और बैठक के अंदर 8 से 10 तमाम ऐसे नेता है वो वहाँ पर मौजूद है। हालांकि कमेटी काफ़ी बड़ी है तो आज तुरंत फैसला होने की उम्मीद कम है, लेकिन प्राथमिक तौर पर वहाँ पर चर्चा होगी कि एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस पूरे एनसीपी के जो कल पवार ने इस्तीफा दिया उसके बाद कहा यह जा रहा है कि सुप्रिया सुले ही एनसीपी की अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है। फिलहाल बैठक जारी है और बैठक से क्या निकल कर आता है ये देखना होगा। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, News 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।